राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज वैसे तो दिन शनिवार है और डेट है, आज तारीख है 25। तो बस वैसे तो पूजा हो गई है आज भी, कल फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे या उसके पहले एकादशी थी, तो तुलसी जी की पूजा हो गई है, आज भी कर सकते हैं। तो मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन कर नहीं पाई और कल भी नहीं कर पाई मैं। तो कल मैंने बाल वगैरह धोने थे मुझे, तो बाल बगल मैंने धोए, तो फिर आज मैं पूजा कर रही हूँ। तो तुलसी जी की पूजा की मैं, मतलब सारे काम हो चुके हैं, बस तैयारी ही। मैंने यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ा दिया है, तो चलिए अब बनाती हूँ मैं खीर और पूड़ी, क्योंकि तुलसी जी की जो पूजा में मैं खीर और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो पहले मैं उसको तैयार करूँगी। दूध मैंने ये चढ़ा दिया है, तो ये चावल भी मैंने धो के रख दिए, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तब तक मैं लगाऊंगी आटा, एक साइड पूड़ी निकाल लूंगी। ये मैंने दोपहर के लिए चावल भिगो के रखे हैं। चलिए ये तो डाल दिया मैंने, चावल डाल दिए तो खीर बनेगी, तो तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो बस यहाँ पे आटा लगा लिया है मैंने, और ये देखिए मैं चुन्नी कैसे ओढ़ के आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और खीर बस धीमे धीमे आंच पे पक रही है। तो बस अब मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ क्या, छोटी छोटी सी अठवाई बनती हैं, तो जितनी अठवाई बनानी हो जिस हिसाब से आपको प्रसाद, जैसे आपको मोहल्ले में आपको प्रसाद बांटना वगैरह हो अपने घर परिवार में, तो आप मतलब ज़्यादा 21 है, 20 और 7 हैं, 11 हैं, तो मैं 11 बनाऊँगी छोटी छोटी सी। मेरे यहाँ ऐसी 11 पूड़ी, तो ये देखिए छोटी सी कढ़ाई है, छोटी छोटी सी मैं बना रही हूँ, इस तरीके से मैं 11 पूड़ी बना लूँगी। तो ये देखिए पूड़ी बन गई है, तो खीर भी खूब अच्छे से घुट गई है। तो बस अब मैं डालूंगी चीनी और थोड़ी सी इलायची हरी पाउडर। पूड़ी और खीर तो बन गई है, तो मैं अंदर से थोड़ा थोड़ा करके पूजा का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब एक साल बाद हम पूजा करते हैं तो हम भूल भी जाते हैं क्या क्या लगना है। तो मैं ये दो दिए कोरे रखे थे। पूड़ी और खीर तो मैंने बना ली है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट यहीं पास की दुकान में, क्योंकि मेरे पास चुन्नी और थोड़ा सा सिंगार का सामान नहीं है। जैसे मैं चुन्नी सोच रही हूँ और चूड़ी और सिंदूर की डिब्बी, इतनी चीज़ें ले आती हूँ, और देख लूँगी और कुछ अगर मिल जाएगा चढ़ाने के लिए, यहाँ पास में ही दुकान है, जितना मिल जाएगा उतना ले आऊँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट। ले आई सामान, चुनरी है, टॉफी है, जिससे मैं परिक्रमा लगाऊंगी चक, मतलब माता रानी की। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर सामग्री लेके। तो पूजा की थाली मैंने दोनों लगा ली हैं, एक में मैंने पूड़ी खीर वगैरह सब रख लिया है, और एक में मैंने चुनरी और सिंगार का सामान, फूल, जितना मतलब सामान लगना है, घी, धूप बत्ती। तो बस यहाँ पे खीर भी मैंने परोस ली है, क्योंकि मैंने खीर अभी परोसी नहीं थी क्योंकि गर्म थी खीर। तो पूजा की तैयारी सामग्री मैंने सारी मतलब इकट्ठी कर ली है, प्रसाद की थाली लगा ली है। तो बस ये मैंने रंग घोल लिया है, तो मैंने 2 कप में रंग घोल रहा है, एक तो मैं ऊपर लेके गमले वगैरह में लगाऊंगी, तुलसी माता को सजाऊंगी, और एक मैं अपने पैर में लगा लेती हूँ माहौर, क्योंकि अच्छा होता है ऐसे पूजा वगैरह में माहौर लगाना, तो मेरे पास रखा था तो मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ।
तो सारा सामान मैं छत पे लेके आ गई हूँ। तो बस मैं सबसे पहले तो चौक पूरूंगी, तो चौक पे ही मैं ये तुलसी माता को बिठाऊंगी। तो आटा का चौक लगाऊंगी मैं और सारी सामग्री ले आई हूँ। बस एक चीज़ भूल आई हूँ नीचे, वो है कंडा कि मतलब हवन, मतलब थोड़ा सा छोटा सा हवन भी करूँगी। तो उसके लिए मैं कंडा नीचे रख आई हूँ गैस पे, थोड़ी देर में उसको भी उठा लाती हूँ। और ये मैं गमले को सजा लेती हूँ। और मैं ना वो ऐसे वाइट कलर का जो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, मैं काफ़ी ढूंढती रही दुकानों पे, मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने सोचा शायद खड़िया, वो खड़िया टाइप में होती है, वो ही मिल जाए तो उसी से ही मैं इसको पोत लूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो बस मैं इसे माहौर से सीताराम सीताराम लिख देती हूँ, पूरे गमले में सजा देती हूँ गमले। तो ये देखिए चौक मैंने लगा लिया है। तो बस थोड़े से मैंने अनाज मतलब गेहूँ रख दी ढेरी, और इसी पे मैं रख दूंगी ये दोनों छोटे छोटे से गमले। और एक श्यामा तुलसी है तो मैंने उनको भी बिठा लिया है। तो सबसे पहले मैं दीपक लगा दूंगी और फिर उसके बाद जल, जैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं जल छिड़कूंगी तुलसी पे, और बस उसके बाद फिर मैं जल चढ़ाऊंगी। तो इसके बाद फिर मैं मतलब अपनी पूजा, जो भी धूप है और दिया तो मैंने जला ही दिया। और मैं बिंदी का पत्ता भूल आई थी, लेकिन मैं ना करवा चौथ पे दो बिंदी के पत्ते लेकर आई थी, जिसमें एक बिल्कुल कोरा रखा था, तो फिर मैंने वही रख लिया। तो बस यहाँ पर मैंने बिंदी लगा दी है तुलसी माता को, तो अब चूड़ियाँ मैं पहना दी। और घर से इतनी दूर हूँ, परदेश में हूँ, जैसा समझ में आता है अपना करती हूँ। मतलब हाँ, ऐसे त्योहारों को छोड़ती नहीं हूँ, मतलब धीरे धीरे कोशिश करके हर बार अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार के दूसरी बार सही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, पूजा पाठ मतलब जो भी जो त्यौहार आते हैं, मैं पूरी श्रद्धा से कोशिश करती हूँ कि अपने मतलब त्यौहार ज़रूर मैं कर पाऊँ, भले ही इतनी दूर हूँ। तो ये देखिए सिंगार का सारा सामान और चूड़ी वगैरह मैंने तुलसी माता को पहना दी हैं। तो अब है प्रसाद की बारी। तो प्रसाद में मैंने खीर और पूड़ी बनाई है, तो मैं लगाऊंगी तुलसी माता को भोग। तो कोई भी पूजा हो, आरती के पहले हम छोटा सा हवन जरूर करते हैं। तो बस उस हवन के लिए मैंने छोटा सा कंडा जला लिया है। तो बस कंडे में मैं धूप और घी और खीर पूड़ी से तुलसी माता को 7, 11, 21 जितनी आपको आहुति देनी है।
तुलसी माता की पूजा संपन्न हो गई है, तो बस यहाँ पे लास्ट में वो परिक्रमा करी जाती हैं, जितनी करनी हो आपको, 101, 11, 21, जितनी आपकी श्रद्धा हो। तो मैं टॉफियों से परिक्रमा लगा रही हूँ, तो मैं 11 लगा लेती हूँ। तो बस बच्चों को ये लग रहा है कि कब मम्मा या तो मुझे पहले ही टॉफ़ी दे दो, तो मैं टॉफ़ी खा लेती हूँ, आप बाद में परिक्रमा लगाती रहना। तो यहाँ पे मैं पीहू को परिक्रमा लगा देती हूँ, 2-3 ये भी लगा लेंगी, क्योंकि ये हमारी मेरे साथ पूजा में ऊपर ही बैठी हुई हैं। चलो रखो एक, हाँ चलो फिर चलो। रखो, चलो पैर छुओ, मत टेको। बोलो जय तुलसी मैया की जय। आरती लो, आरती लो ऐसे। चलो उठो, चलो हटो। हो गई माता रानी की पूजा। मैंने कर ली है, जय तुलसी माता की जय। बस इन लोगों को टॉफी की जल्दी मची है कि टॉफी दे दें मम्मा जल्दी। लो, और ये वाली टॉफी लेके आई थी मैं, और बाहर शाम को बच्चे खेलेंगे ना तब दे देंगे उनको। तो अब आ जाइए किचन में, आते हैं और भूख लगी है बड़ी ज़ोरों से। तो प्रसाद की पूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो दो सिस्टी पीयू की हो गई हैं, दो मैंने अपने लिए रख ली हैं। तो बस छोले की सब्जी मैंने बनाई थी, तो आ जाइए आप लोग भी, छोले की सब्जी, खीर, पूड़ी। और आज दिन शनिवार है, तो मैंने शनिवार को तुलसी माता की पूजा की है। आपने किस दिन तुलसी माता की पूजा की है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर।